subscribe now and press the bell icon. Never. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनॉइज पे। NMDC को लेके हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और वहाँ पे NMDC का जो भी इन्फॉर्मेशन है कंपनी का लेके, वो सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया था और ऑलमोस्ट बोल सकते कि उसमें भी जो टारगेट प्राइस दिया था वो भी हिट हुआ है। तो NMDC का अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। उसमें जो हम लोगों ने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था कि जहाँ पे कोई भी कंपनी का डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है उसमें क्या चीज़ देखा जाता है और मतलब डिविडेंड को लेके, NMDC का जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था उसको लेके भी NMDC शेयर में क्या करना चाहिए, हर एक इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया था। इस वीडियो में आज हम लोग जो है NMDC का अभी जो चल रहा है, NMDC के शेयर में, NMDC के शेयर का जो डेटा है, NMDC के शेयर में क्या चल रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से NMDC का जो भी अपडेट है, तो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पे पूरा बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, NMDC के बारे में जो है हम लोगों को पता है कि इसने जो है डिविडेंड एक डिक्लेयर किया है। अभी कोई भी अगर आप या फिर कोई भी अगर हम लोग शेयर खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं कि कंपनी का जो है उसका जो कंपनी जो स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी में क्या चल रहा है, उसका डिविडेंड वगैरह क्या है, उसका जो शेयर पैटर्न है, उसके जो स्टॉक में है, स्टॉक में क्या चल रहा है, उसमें क्या अभी दिखने को मिल रहा है, बुलिश पैटर्न है कि क्या है, इंडिकेटर्स क्या दिख रहा है, तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कुछ दिन से NMDC का, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही बोल सकते हैं कि एक डिविडेंड का जो अपडेट आया था उसके बाद जबरदस्त स्टॉक में खरीदारी हुआ है, बहुत ज़्यादा खरीदारी स्टॉक में है और अभी भी बोल सकते हैं दोस्तों कि ये जो शेयर है इसमें बहुत ज्यादा खरीदारी हुआ है कुछ दिन से। तो उसके बाद अभी देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिला और फिर से अगर एक दिन का देखेंगे तो यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही डिविडेंड का अपडेट आया है स्टॉक में बहुत ज्यादा खरीदारी हुआ था और उसके बाद जो है डिविडेंड जिसको भी मिला रहेगा फिर जो अपडेट है उसके हिसाब से मिलेगा, तो यहाँ पे जो है देखेंगे उसके बाद स्टॉक में एक गिरावट बनता हुआ दिखा है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टॉक में बहुत ज्यादा खरीदारी हुआ है और जब भी हम लोग देखते हैं कोई भी शेयर में ओवरबॉट में आता है कोई भी शेयर, तो उसके बाद जो स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलता है। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में अभी जैसा चल रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा एक रिटर्न आपको देखने को मिल जाए, बहुत ज़्यादा रिटर्न अभी शायद से यहाँ पे जो है अभी जैसा स्टॉक में चल रहा है तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ये शेयर लेते हैं तो ज़्यादा रिटर्न शायद से यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता है, सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है। यहाँ पे अगर आप RSI का इंडिकेटर देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं RSI इंडिकेटर में जो है देखने को मिल रहा है ओवरबॉट में है और यहाँ पे अगर देखते हैं MACD का जो अपडेट है MACD में देखने को मिल रहा है कि बाई करके चलिए, यहाँ पे MACD जो है बाई का जो है सिग्नल दे रहा है और वही RSI में जो है ओवरबॉट का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो है बाकी सब इंडिकेटर्स देखेंगे आप तो बाई करने का यहाँ पे जो है अपडेट देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि NMDC शेयर जो है ज़्यादा रिटर्न अपने को देखने को जो है देखने को नहीं मिल सकते है शेयर में। ये एक ऐसा शेयर है अगर आप यहाँ पे ज्यादा टाइम होल्ड करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिल जाता है, क्योंकि डिविडेंड का जो अपडेट यहाँ पे बीच में हम लोग को देखने को मिलता है जो कि एक शेयर पे 9 रुपये के ऊपर ये कंपनी जो है डिविडेंड दे रहा था। तो ये अगर देखेंगे तो जिसके पास भी शेयर है तो आपको पता रहेगा कि डिविडेंड का अच्छा खासा जो है NMDC में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर प्राइस का डेटा जो है शेयर प्राइस का डेटा आप देखते हैं कुछ दिन से कि शेयर में क्या चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों स्टॉक का प्राइस जो है लगभग 130-140 पैसा तक पहुँचा था। उसके बाद कुछ दिन से जो है यहाँ पे 3 या 4 दिन से जो है शेयर रेगुलरली एक हाई प्राइस दे रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस जो 131.40, उसके बाद 133.30 पैसा, उसके बाद अगर 135.50 बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि बुलिश पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे जो ज्यादातर इन्वेस्टर जो है अभी खरीदारी भी किया है बहुत सारा, आप देखेंगे तो यहाँ पे खरीदारी भी हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी अगर बात करते हैं कि डिविडेंड का, तो यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं जिसके पास भी NMDC का शेयर नहीं है उसको आप देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे जो डिविडेंड है कंपनी का जो कुछ दिन पहले डिक्लेयर हुआ था वो था 9.01 पैसा जो है इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया था पर शेयर का, और उसके पहले जो एक डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था 7.76 पैसे का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 2 डिविडेंड यहाँ पे दिया गया है कंपनी की ओर
सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो मुनाफा है, जो रेवेन्यू है, बहुत ही बढ़िया देखने को मिला था। और यहाँ पे दिसंबर 14 का जो एक अपडेट देखने को मिला था, जहाँ पे दिसंबर 14 को जो एक डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था, इंटरम डिविडेंड जो कि 9.01 पैसे का, मार्च 2020 को जो एक डिविडेंड डिक्लेयर किया था 2021 का जो कि था 7.76 पैसे का। तो हर साल देखिए कंपनी आपको जो है एक अच्छा खासा डिविडेंड देता है। और यहाँ पे रिटर्न की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो रिटर्न जो है लगभग 4 से 5 रुपए के आसपास देखेंगे, तो बीच बीच में जो ये शेयर एक बोल सकते हैं कि एक रिटर्न देता है। क्योंकि स्टॉक का प्राइस अगर देखेंगे दोस्तों, जो कुछ दिन पहले भी जब हम लोगों ने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, स्टॉक का प्राइस जो है लगभग 126 या फिर उसके भी नीचे था शायद से, तो उसके बाद आप देखेंगे तो 138 के आसपास चल रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन के अंदर जो ये शेयर आराम से जो है 8 से 10 रुपए के आसपास रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो डिविडेंड वाइज भी लगता है कि अच्छा शेयर है। और यहाँ पे अगर आप शेयर खरीदते हैं NMDC का, तो आपको ऐसा समझ के खरीदना चाहिए कि यहाँ पे अगर थोड़ा गिरावट भी देखने को मलता है, मान लीजिए अभी 138 के आसपास तो चल रहा है, तो यहाँ पे अगर स्टॉक का प्राइस 131 या फिर 120-126 भी आता है, तो यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेंगे तो यहाँ से जो है रिटर्न देखने को मिल सकता है। सिर्फ हमारा एक ओवरव्यू है यहाँ पे। अभी कंपनी का अगर बात करें दोस्तों फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू जो है कंपनी का September 30, 2021 को, जो क्वार्टरली रेवेन्यू देख सकते हैं कंपनी का, जो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। ऑपरेटिंग इनकम जो है दोस्तों, ऑपरेटिंग इनकम आप देख सकते हैं यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, जो कि 41,209 का था, और वो जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 30,525.9 का है। एंड नेट इनकम जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है अच्छा खासा इसमें। तो देखिए अभी यहाँ पे हर एक चीज देखने के बाद जो शेयर का डेटा है यहाँ पे देखने को मिला है हम लोग को, और ये सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद अगर बात करेंगे NMDC का, तो यहाँ पे 138 के आसपास चल रहा है। तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी ये शेयर जो है 140 या फिर 141 के आसपास भी देखने को मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे अगर देखते हैं कि शेयर में जो है क्या चल रहा है NSE का अगर डेटा देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं 4 जनवरी को, मतलब एक दिन पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो NSE का ट्रेडेड वॉल्यूम है वो देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो फॉलिंग एंड डिलीवरी, मतलब शेयर में जो एक दिन पहले देखेंगे तो डिलीवरी में थोड़ा गिरावट देखने को मिला था। और यहाँ पे स्टॉक का प्राइस जो एक दिन पहले लगभग 0.4% के आसपास तेजी दिखाया, रिटर्न दिया है 38.4% के आसपास जो है शेयर का डिलीवरी परसेंटेज जो हुआ परसेंटेज देखने को मिल रहा है। और 3rd जन को अगर देखेंगे तो उसमें एक अच्छा खासा तेजी हम लोग को देखने को मिला था स्टॉक के प्राइस में, जो कि लगभग 1.5% के आसपास जो है स्टॉक में तेजी हम लोग को देखने को मिला था। और एक दिन का देखेंगे दोस्तों यहाँ से जो है 4th जन का और 3rd जन का अगर हम लोग देखते हैं 3rd और 4th जन के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिलीवरी में गिरावट देखने को मिला था 39.1% था 3rd जनवरी को स्टॉक का जो डिलीवरी हुआ था परसेंटेज का शेयर में, और वही अगर देखेंगे 4th जन को जो हुआ था 38.4% का स्टॉक के प्राइस में भी एक गिरावट बनता हुआ दिखा था। तो जैसे कि हम लोग देखा है कि अभी जो ये शेयर जो है ओवरबोर्ड में है, मतलब अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो ये शेयर में खरीदारी हुआ है। और यहाँ पे जो खरीदारी हुआ है हम लोग को पता है कि शेयर में जो अपडेट्स आया था उसके बाद अगर देखेंगे तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को जो है वो लोग फिलहाल अगर बोलेंगे तो बुलिश है। ज़्यादातर दिग्गजों का देखेंगे तो इस शेयर में जो है खरीदने का जो है अपडेट देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर दिग्गजों का मानना है कि शेयर में खरीदारी करके चलिए, जरूर यहाँ पे जो है 138 के आसपास चल रहा है और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना है अगर आप ये शेयर लेते हैं तो, क्योंकि हम लोग देखा है कि ये शेयर जो है 127-126 के पास भी पहुंच गया था और अभी स्टॉक का प्राइस 138 के आसपास चल रहा है। तो यहां से अगर आप स्टॉक खरीदते हैं 138 से, तो फिलहाल लगता है कि आप एक स्टॉप लॉस जरूर रखना है। और यहां पे अगर और ज्यादा गिरावट देखने को मिलता है और यहां पे आप होल्ड करते हैं तो आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहां पे अगर देखेंगे दोस्तों बहुत बार हम लोगों ने देखा है ये शेयर जो है 138 या फिर 144 तक जाता है, उसके बाद एक गिरावट देखने को मिलता है। तो फिलहाल यहां पे जो है अगर खरीदारी करते हैं तो जो हमारा ओवरव्यू है 140 से लेकर 141 के आसपास देखने को मिल सकता है। और अगर किसी के पास शेयर है, अगर आपने ज्यादा प्राइस में लेके रखा है, तो फिलहाल अगर देखेंगे तो ये शेयर में जो अगर थोड़ा होल्ड करेंगे तो शायद से यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ही था कि NMDC के शेयर में क्या चल रहा है, NMDC में क्या चल रहा है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।